विद्यार्थी मित्रों, आज आपने हिंदी विषय में ईदगाह विषय पाठ भणीशु। ईदगाह छे एना लेखक छे प्रेमचंद। ईदगाह है वह कहानी प्रेमचंद की अमर कहानी है। क्या है? तो के प्रेमचंद की अमर कहानी है। यहाँ हामिद है, हामिद के माता पिता मर चुके हैं और हामिद अपनी दादी अमीना के पास रहता है। अमीना हामिद को बहुत सारा प्यार करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यार तो जुनी हम पहले लेखक का कुछ जीवन परिचय। लेखक है प्रेमचंद। उपस्म्यान सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ है। उनका बचपन का नाम धनपत राय है। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में वह प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे हैं। प्रेमचंद जी है वह पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में वह हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी की त्याग दी थी। प्रेमचंद जी की है गोदान। गोदान है वह प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। परीक्षा में आपको कई बार पूछा जा सकता है कि गोदान है वह किसका उपन्यास है, तो गोदान है प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस कहानी में हमें क्या है, क्योंकि ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। कहानी का बालक और नायक कौन है? हामिद है। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों ने प्रश्न था कि ईदगाह एटले शू, तो कि ईदगाह एटले के ईद की नमाज पढ़ने की जगह। रमजान के महीनों के बाद ईद आती है और ईद नमाज पढ़ने की जगह, उसे क्या कहते हैं? तो कि ईदगाह कहते हैं। तो कि यही कहानी का बालक अर्थात तो नायक है हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके वह अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। उसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीजें खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठ्यगण बालक हामिद के त्याग सद्भाव और विवेक को देखकर भावविभोर हो जाते हैं। तो देखते हैं हम पाठ में क्या कहते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। अपने के गुजराती हिंदू लोगों में सोचे तो के बेस्तु वर्ष आए, तो बेस्तु वर्ष हुए त्यारे सवारना पोर में केवी घर में वातावरण में केवी जहर पहले तेवी जीते। मुसलमान लोगों में ईद की उजवणी एवं रीते ज करे छे के सवारना लोग बधा उठे छे, नवा नवा वस्त्र पहरे छे, बधा एकबीजाने गले मळे छे, नवा वर्षनी शुभकामनाओ आपे छे। तेवी जीते ईदना दिवसे शुं छे के घणी चहलपहल जोवा मळे छे। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुत्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े भागा जा रहा है। तो क्या किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेल के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटे लौटे दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है और हामिद इतना गरीब है कि उसके पास पैर पर पेंट के लिए जूते भी नहीं है। सभी बच्चे ईदगाह जा रहे हैं, हामिद भी जाने की इच्छा कर रहा है। अमीना उसकी दादी है, अमीना मना कर रही है, फिर भी सभी बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। और हम अमीना को यह चिंता है कि हामिद के तो माता पिता भी नहीं है, वो किसके साथ जाएगा? अगर ईदगाह जाएगा तो वह कहीं खो जाएगा। तो फिर भी अपने मित्रों के साथ हामिद ईदगाह जाने की जिद करता है। तो अमीना अपने दिल पर पत्र
चलकर कुछ देर ठहर जाता है और रास्ते पर बैठ जाता है। सभी से आगे निकल जाता है। हामिद को रास्ते में कहीं इमारत दिखी देखती है, कहीं दवाखाने, कहीं कॉलेज आदि रास्ते में आते हैं। कई कॉलेज आते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आती हैं, कला घर आगे आते हैं, हलवाई की दुकानें आती है। हलवाई की दुकानें भी सजी धजी हुई है, मानो के जाने वहाँ रोशनी हो गई है। सब ईदगाह पहुँच जाते हैं। ईदगाह पहुँचने के बाद सब नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सभी बच्चे मिठाई खाने जा रहे हैं, कई बच्चे खिलौने खेल रहे हैं, भोले का आनंद उठा रहे हैं। और हामिद के यहाँ मित्र है। कौन कौन मित्र है? क्योंकि मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और सनी, यह चारों चार उसके मित्र है। वह सभी घोड़े पर बैठते हैं क्योंकि उसके पास पैसे है, लेकिन हामिद के पास केवल 3 ही पैसे थे। अमीना ने दिए थे मेले में कुछ खाने के लिए और हामिद के पास 3 ही पैसे थे। हामिद यह सोचता है कि घोड़े पर बैठना और मेले में चक्कर में 2 चक्कर खाना, उसे उसमें क्यों पैसे बर्बाद कर, उससे क्या लाभ मिलता है। वह खिलौने की दुकान जाता है, लोहे की दुकान जाता है, आदि अलग अलग दुकान पर वह जाता है, लेकिन वह कुछ खरीदता नहीं है। उसके मित्र ने कई खिलौने खरीदे थे। देखते हैं मोहम्मद ने सिपाही खरीदा है खिलौने में, मोहसिन ने पिस्ती खरीदा है, नूरा ने एक वकील खरीदा है, काले कोट वाला वकील खरीदा है और समीर घोड़े पर बैठता है। सभी मित्र ईदगाह के मेले का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे होने के कारण वह खिलौने नहीं खरीदते, मिठाई भी नहीं खाते। वह कहता है कि मिठाई खाने से हमारा मुंह सड़ जाता है, इसलिए वह मिठाई भी नहीं खाता। आगे लोहे की दुकान आती है। लोहे की दुकान आते ही वह एक चिमटा देखता है। चिमटा देखता है तभी उसे अपनी दादी अमीना याद आती है। वह रोज देखता था घर में कि अमीना जब चूल्हे पर तवे पर रोटी सेकती थी तब उसकी आँख में उंगलियाँ जल जाती है, इसलिए वह अपनी दादी के लिए वह एक चिमटा खरीदता है। चिमटा खरीदता है। वह सभी अपने मित्रों को चिमटा दिखाता है। वह कहता है कि मेरा चिमटा तो इतना मजबूत है कि तुम्हारे सभी खिलौने को एक चिमटा मारो तो सभी खिलौने टूट जाएगा। तो हमें मिलने के बाद वह हानि घर जाता है। तब वह अपनी अमीना दादी को वह चिमटा दिखाता है। पहले तो अमीना उसे खूब सारा डांट देती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। और वह लाया तो क्या लाया, वह एक चिमटा लाया। चिमटा लाया तो पहले अमीना दादी उसे खूब डांटती है। बाद में वह हमें यह बोलता है कि जब तुम तवे से रोटी सेकती हो तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं वह तुम्हारे लिए यह चिमटा ले आया हूँ। यह सुनकर अमीना का दिल भराता है। तभी वह हामिद को अपने सीने से लगा लेती है। हमें यहाँ हामिद नाम के बालक की त्याग भावना, सद्भावना और विवेक देखने को मिलते हैं। अमीना उसे बहुत प्यार करती है। बाद में वह उसे कुछ खाना भी खिलाती है। हमें यह सीख मिलती है यह पाठ की कि हमें मेले में कुछ पैसों की बर्बादी न होनी चाहिए और हमें कुछ उपयोगी वस्तु ही खरीदनी चाहिए। तो यह हमारा पाठ ईदगाह यहाँ पूर्ण होता है। तो इसके प्रश्न के जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे।